सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो मैं जा रहा था अभी सत्याखाल। दरअसल मामी आई है घर में, मामी और मामा। और घर में प्याज व्याज कुछ है नहीं क्योंकि नानी रखती नहीं है, तो वही मैं जा रहा हूँ सत्याखाल लेने। तो चलिए चलते हैं हम भी। और कल जो बारिश आई है, मतलब कल और परसों जो बारिश आई है, उसकी वजह से ना मौसम पूरा साफ हो गया है। ये देखिए, अब थोड़ा थोड़ा आपको पहाड़ दिखेंगे जो उनके टॉप पर है, वो पीछे तक के पहाड़ दिखेंगे, पर ये नहीं दिख रहे थे कुछ टाइम पहले। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई है कि अब अगर किसी को अगर घूमने आना है, वैसे आना है, खासकर देहरादून में मैंने पूछा था तो वहाँ भी पूरे बादल हट गए थे, तो पूरे वहाँ क्लियर दिख रहे थे एकदम पहाड़। तो भाई कुछ ऐसा है अभी सत्याखाल के मार्केट का नज़ारा। अभी तो सुबह का टाइम है और मैं रुका हूँ थोड़ा चाउमीन खाने के लिए। कल से बहुत मन कर रहा था, मैंने बोला खा लेते हैं आज जब आए हैं। तो यहाँ पर चाउमीन खा रहे हैं मामा जी की दुकान पे। तो भाई ये आ गई हमारी चाउमीन प्लस माजा। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सब्जी तो हमने ले ली है और जो प्याज का प्राइस है वो है 40 रुपये किलो। तो प्याज बहुत महंगा है इधर भाई। तो भाई घर तो पहुंच गए हैं, घर में कोई है ही नहीं है, वो सारे गेट बंद कर रखे हैं। ये हमारी सफ़ेद परी। कहाँ गए सब लोग? तो भाई दिन के बज रहे हैं 2 और मैं जा रहा हूँ अभी तिलवड़ा, जो कि मेरी जठी माँ मतलब मम्मी की बड़ी बहन जो है उनका घर है। और ये है नारी गांव, जो कि कुछ ऐसा है। और मुझे यहाँ से पैदल पैदल जाना है वहाँ से, उस रास्ते से। तो चलिए फिर चलते हैं। ये रास्ता है शॉर्टकट, क्योंकि वो जो रोड जा रही है ऊपर से बहुत घूम के जा रही है, तो हम एक शॉर्टकट ले रहे हैं। गाँव का पुराना रास्ता है, मुझे पता नहीं है कहाँ जाता है, पर ये नीचे की तरफ जा रहा है रोड की तरफ। तो देखते हैं कहाँ तक ले जाता है हमको। बहुत ढलान है यार। तो भाई हम पहुँचे हैं, इस गांव का नाम है पोला। और भाई यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है सारे घर खाली हैं, क्योंकि मैं अभी ऊपर जंगल से आया हूँ और वो पूरा ऐसा लग रहा था बंजर पड़ा हुआ है। तो यहाँ से रास्ता है हमारे जाने का, ये देखिए पूरा खाली है, ज़्यादातर घर खाली ही है यहाँ पर। और ये देखिए रास्ता पूरा चीड़ चीड़ के पत्तों से पूरा ढक गया है, और इनमें ना फिसलन बहुत ज़्यादा होती है, और जो आग लगती है ज़्यादातर जंगलों में वो भी इनकी वजह से लगती है, क्योंकि ये एकदम सूखे सूखे ना बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं यहाँ पर। ओह और ये देखिए आग की वजह से ना, देखिए पूरा चीड़ का पेड़ जल गया है, और अगर इसमें ज़्यादा अगर प्रेशर पड़ा ना ये सीधा नीचे गिर जाएगा, क्योंकि आधे से आधे जल गया है। तो कुछ ऐसा हाल हो जाता है यहाँ पर। देखिए ज़्यादातर पेड़ है ना नीचे नीचे, क्योंकि जो चीड़ के पत्ते होते हैं नीचे गिरे हुए वो आग ऐसे पकड़ते हैं ऊपर की तरफ, तो जो नीचे वाला पार्ट होता है ना वो पूरा जल जाता है। वो भी देखिए उसका भी नीचे से पूरा जला हुआ है, इसका भी जला हुआ है, वो जो सामने पेड़ है उसका भी नीचे से जला हुआ है। तो इतना पार्ट जल जाता है, क्योंकि नीचे जो पत्ते होते हैं ना वो एकदम से ऊपर आग पकड़ते हैं और नीचे का पार्ट पूरा जल जाता है ऐसे ही। तो भाई साहब पैर में इतने झटके लगे ना ऊपर से तब से, और मुझे समझ में नहीं आ रहा जो पुराने लोगों ने जब ये रास्ता बनाया होगा तो उसने कितनी परेशानी हुई होगी, क्योंकि जब हमें चलने में इतनी परेशानी हो रही है तो उन्हें रास्ता बनाने में कितना समय लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, क्योंकि पत्थर कोई हल्के नहीं होते, बहुत भारी भारी पत्थर है। और इतने पूरे रास्ते पता नहीं कहाँ से आ रहा हूँ मैं, ऊपर से वहाँ से पूरे नीचे तक हैं, तो भाई मानना पड़ेगा। तो भाई बहुत देर बाद मुझे कुछ घर दिखे, वहाँ शायद नीचे पंदेरा है उस गांव का, आगे जो गांव है। और कुछ ऐसा है यहाँ का नज़ारा, देखिए
इतना खूबसूरत है। तो ये देखिए हम गदरे पे आ गए हैं। गदरे का पानी देखिए एकदम साफ जा रहा है, थोड़ा पानी कम है अभी और हमें जाना है सीधा गदरा गदरा होते होते इस तरफ सीधा सीधा तिलोड़ा के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और ये देखिए कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का, एकदम तेज़ हवा चल रही है मस्त ठंडी ठंडी। ये देखिए और सामने बादल आने लग गए हैं वहाँ पर। और ये देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 कमरे इधर और इसमें एक ये किचन है। तो कुछ ऐसा है तो सबने अलग अलग बना दिया यहाँ पर। हाँ तो कुछ खाते पीते हैं किचन में, उसके बाद कल जाना भी है। चलिए मिलते हैं आपसे।